So the award that everybody these days calls Best Male Debut Award or Best Female Debut Award, what was it called in the 90s? 90s में इस अवार्ड को बुलाते थे बेस्ट न्यू कमर अवार्ड. हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पर हम 90s बुक्स, पोइट्री और लाइफ की बातें करते हैं. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 90s फिल्म फेयर अवार्ड्स, उसमें जो बेस्ट न्यू कमर अवार्ड दिए जाते थे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द मेल न्यू कमर्स, एंड देन इन द कमिंग एपिसोड वील बी टॉकिंग अबाउट द फीमेल डेब्यूज एज वेल. बट बिफोर आई स्टार्ट दैट वीडियो, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन फिल्म फेयर्स बेस्ट मोमेंट्स इन द 90s, विच इज कॉल्ड 90s फिल्म फेयर अवार्ड्स ऑन दिस वेरी चैनल. सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज वॉच इट. यू विल सी सम रियली रियली एक्साइटिंग मोमेंट्स फ्रॉम 90s फिल्म फेयर अवार्ड्स, एंड द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑन द आई बटन अबव. एंड फॉर मोर 90s रिलेटेड स्टोरीज, सॉन्ग्स, डू फॉलो मी ऑन गाना, वेयर आई होस्ट अ पॉडकास्ट कॉल्ड 90s की कसेट. और इस पर हम लोग बहुत सारी 90s की बातें करते हैं, एंड गाना म्यूजिक ऐप पे ये पॉडकास्ट आता है. एंड ऑल्सो यू नो, फॉर मोर 90s रिलेटेड वीडियोज आई कीप अपलोडिंग इट हियर, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी नोटिफाइड तो प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. जो घंटी वाला आइकन होता है ना, उसको बजाना मत भूलना. एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो आपको पता है ये जो बेस्ट न्यू कमर अवार्ड्स 90s में थे, ये जो मेल डेब्यू और फीमेल डेब्यू जिसे हम आज बुलाते हैं, ये एक्चुअली स्टार्ट ही हुए थे फिल्म फेयर अवार्ड्स में इन 1989. So the very first recipient of this award in the male category was Aamir Khan for Qayamat Se Qayamat Tak. So 88 mein Qayamat Se Qayamat Tak aayi thi aur 89 mein ye award introduce kiya gaya tha. So 89 Filmfare Awards mein ye jo best male debut award tha wo Aamir Khan ko diya gaya tha, and this was the very first award ever given in the Filmfare Awards in the best male debut category. And the most sensational discovery, Mr. Aamir Khan. To Aamir once again. Yeah, it's quite heavy. At last I've got my own award. Now coming to 1990. So 1990 mein na kuch ajeeb hua. ये बेस्ट न्यू कमर मेल अवार्ड पता है किसको मिला? सूरज बरजात्या को, फॉर मैंने प्यार किया. एंड ऑब्वियसली एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग सलमान खान टू विन इट, और ऐसा ना फिल्म फेयर में पहली बार हुआ कि बेस्ट न्यू कमर अवार्ड किसी एक्टर को नहीं, किसी डायरेक्टर को दिया गया, और उसके बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ. सो अगर आप कहें इसे सलमान खान का बैड लक, या फिर अवार्ड्स के साथ उनका जो रिश्ता था शायद वो शुरू से ही खट्टा हो चुका था इस अवार्ड के बाद. अवार्ड फॉर द मोस्ट सेंसेशनल डेब्यू ऑफ द ईयर गोज टू डायरेक्टर सूरज बरजातिया फॉर मैंने प्यार किया. 1991 में ये अवार्ड किसी को दिया ही नहीं गया. सो फिल्म फेयर बेस्ट न्यू कमर अवार्ड 1991 में किसी को भी नहीं मिला. अब ये इसकी वजह क्या थी ये तो मुझे नहीं मालूम. शायद उस साल कोई ऐसा प्रॉमिसिंग न्यू एक्टर नहीं लॉन्च हुआ होगा इंडस्ट्री में. नाउ कमिंग टू 1992 का फिल्म फेयर बेस्ट न्यू कमर अवार्ड दिया गया था अजय देवगन को फॉर ऑब्वियसली फूल और कांटे. और ऑन स्टेज ना ये अवार्ड धर्मेंद्र ने अनाउंस किया था, धर्मेंद्र साहब ने, जिन्होंने कहा था कि एक मेरा बेटा है सनी और दूसरा मेरा बेटा है अजय देवगन. एंड अजय देवगन ऑब्वियसली जब इस अवार्ड को रिसीव करने आए थे तो उनको चोट लगी हुई थी उस वक्त. जो मैंने सोचा था वही है, अजय देवगन. बड़ा बेटा सनी है, उसके बाद ये है. गॉड ब्लेस, मैनी मैनी मोर, एंड ही इज गोइंग टू बी द ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट ऑलवेज. फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट न्यू कमर अवार्ड जीता शाहरुख खान ने,
और दीवाना फिल्म उनकी आई थी और इस साल ऑब्वियसली ही वाज लाइक द टॉक ऑफ द टाउन. ये अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड रेखा जी ने अनाउंस किया था और उसके बाद ये ट्रेंड बन गया था कि शाहरुख खान को ज़्यादातर जितने भी अवार्ड मिलते थे ना उन्हें रेखा जी अनाउंस किया करती थी. और यू नो इस अवार्ड को लेने के बाद शाहरुख खान एक्चुअली सेड दैट यू नो व्हेनेवर ही रिसीव्ड एनी अवार्ड इन हिज लाइफ हिज मदर वाज नॉट देयर. और ऐसा ही आज भी हुआ कि फिल्मों का ये बहुत बड़ा अवार्ड जब उन्हें मिला तो यू नो आई एम मिसिंग माय मदर सो ही डेडिकेटेड दिस अवार्ड टू हिज मदर. माय फेवरेट मिस्टर शाहरुख खान. थैंक यू. The first time I got a medal in school, which was in third class, I came running home to show it to my mother. I was very excited. It was very sad she wasn't there. The first time I'm getting an award, a major award in the film industry, and she's still not here. So this one goes out to her. This one's for you, Mom. Thank you very much. 1994 ka Best Newcomer Male Award jeeta Saif Ali Khan ne. और ये अवार्ड ऐश्वर्या राय ने ऑन स्टेज अनाउंस किया था बिकॉज उस वक्त वो मॉडलिंग की दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम हो चुकी थी. एंड इस अवार्ड को रिसीव किया जब सैफ अली खान ने सो ही जस्ट सेड टू वर्ड्स थैंक यू द मोस्ट सेंसेशनल डेब्यू सैफ खान हु मेड एन इम्पैक्ट विद परंपरा आशिक अवारा एंड पहचान. Thank you very much. Now, Filmfare 1995 Newcomer Award Male किसी को भी नहीं दिया गया एक और बार. और इसकी भी वजह शायद यही हो सकती है that once again there was no promising performance that you know jury felt that किसी को मिलना चाहिए Best Newcomer Male Award. So 1995 no award. 1996 Filmfare Awards for Newcomer में Best Newcomer का award इस साल जीता बॉबी देओल ने जो बरसात फिल्म से आए थे. और शाहरुख खान ऑन स्टेज ही अनाउंस दिस अवार्ड लेकिन ऑब्वियसली बॉबी देओल वॉज नॉट देयर बिकॉज ही वॉज हॉस्पिटलाइज ड्यूरिंग दैट टाइम क्योंकि उन्हें एक इंजरी हो गई थी. नाउ कमिंग टू 1997 Filmfare Awards for Best Newcomer और इस साल का बेस्ट न्यू कमर मेल अवार्ड जीता चंद्रचूड़ सिंह ने. वॉट अ प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस इन माचिस. और माचिस फिल्म के बाद एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट चंद्रचूड़ सिंह. उनके पास बहुत अच्छी फिल्म्स भी थी लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए. यू नो अभी भी वो थोड़ी बहुत फिल्म्स करते हैं लेकिन यस 1997 का बेस्ट न्यू कमर अवार्ड फिल्म फेयर में जीता था चंद्रचूड़ सिंह ने. नाउ कमिंग टू 1998 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू कमर तो इस साल ये अवार्ड जीता था अक्षय खन्ना ने हिमालय पुत्र के लिए. आई नो आई थिंक इसी साल से वो जो नेपोटिज्म की डिबेट है ना उसने जोर पकड़ा था बिकॉज अक्षय खन्ना जो कि इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स नाउ बिकॉज आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट इन हिज वर्क. लेकिन जब हिमालय पुत्र आई थी तो ऑब्वियसली वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे इन द फिल्म एंड एवरीबडी वॉज क्वेश्चनिंग दिस अवार्ड. बट हाँ ऑन स्टेज ये अवार्ड उन्हें सैफ अली खान और अमृता सिंह ने दिया था जो एक साथ थे उस वक्त. एंड यू नो ही थैंक्ड एवरीबॉडी यू नो फॉर दिस वार्म वेलकम. बेस्ट मेल न्यूकमर फॉर 1997 इज अक्षय खन्ना. कांग्रेचुलेशंस. सो बाई लेट 90s ये स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स का इंडस्ट्री में आना शुरू हो गया था. सो 1998 का जो फिल्म फेयर न्यू कमर अवार्ड है वो अक्षय खन्ना ने जीता था फॉर हिमालय पुत्र जो विनोद खन्ना के बेटे हैं. और 1999 में ये अवार्ड जीता फरदीन खान ने फॉर हिज फिल्म प्रेमगन जो कि फिरोज खान के बेटे हैं. यू नो अक्षय खन्ना एटलीस्ट इन हिज फर्स्ट फिल्म वॉज नॉट दैट ग्रेट बट उनके उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी चाहे वो ताल हो चाहे वो और दूसरी फिल्म्स हो वो हर फिल्म के साथ इम्प्रूव करते गए. बट फरदीन खान वॉज आई रियली डोंट वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड बैड बट ही वॉज प्रीटी बैड इन दिस फिल्म. और इसके डायलॉग्स भी जो उन्होंने बोले हैं बहुत अजीब लगे थे उन पर. बट हाँ 1999 का बेस्ट न्यू कमर फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया फरदीन खान को जिन्होंने ऑब्वियसली अपने पापा फिरोज खान को थैंक यू बोला फॉर दिस अवार्ड. Fardeen Khan for the potential displayed in his debut film Prem Agan. Now coming to
फिल्म फेयर अवार्ड्स 2000. अब आप बोलेंगे कि 90s के अवार्ड्स हैं तो मैं 2000 में क्यों जा रही हूँ, क्योंकि 2000 में जिन फिल्म्स और जिन एक्टर और एक्ट्रेसेस को अवार्ड्स दिए जाते हैं वो 1999 में रिलीज़ हुई होती है. सो 1999 में रिलीज़ होने वाली फिल्म 1947 द अर्थ, इसके लिए बेस्ट न्यू कमर अवार्ड जीता था राहुल खन्ना ने, जो अगेन अक्षय खन्ना के भाई हैं और विनोद खन्ना के बेटे हैं. हिज परफॉर्मेंस इज़ प्रीटी गुड इन दिस फिल्म, और इस फिल्म के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था. सो ये थे 90s के बेस्ट न्यू कमर अवार्ड्स मेल कैटेगरी में, और जल्दी आऊँगी फीमेल कैटेगरी लेकर भी. तब तक के लिए प्लीज़ कीप स्माइलिंग. So don't forget to like, comment and share this video with all your 90s friends, and also don't forget to subscribe to the channel.